इधर पंचकुला में 9,870 नव चयनित जेबीटी शिक्षकों का महापड़ाव आज नौवें दिन भी जारी रहा। नव चयनित पात्र अध्यापकों ने आज अपना सिर मुंडवाकर विरोध प्रदर्शन किया। टीचर्स ने मांग पूरी नहीं होने पर 1 जुलाई से धरना स्थल पर परिवार के साथ आमरण अनशन शुरू करने की घोषणा की है। साथ ही अध्यापकों ने 30 जून को विधानसभा घेराव करने की भी घोषणा की है। वहीं महिला टीचर्स ने भी मांगे नहीं माने जाने पर भविष्य में सिर मुंडवाने की चेतावनी दी है। बता दें कि पात्र अध्यापकों ने अपनी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर शिक्षा सदन के पास महापड़ाव डाला हुआ है। पात्र अध्यापकों का आरोप है कि सरकार जानबूझकर उनकी नियुक्ति को लटका रही है। ज्वाइनिंग जारी नहीं होगी, ज्वाइनिंग पत्र जारी नहीं होंगे, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। इस कड़ी में कल हम हजारों की संख्या में नवचयनित जेबीटी अध्यापक विधानसभा का घेराव करेंगे। अगर सरकार फिर भी समय रहते नहीं चेतती नहीं मानती है तो 1 जुलाई से हजारों की संख्या में नवचयनित जेबीटी अध्यापक अपने परिवारों सहित पंचकूला के इस महापड़ाव में शामिल होंगे और आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। आज पुरुष अध्यापकों ने केस मुंडन करवा करके अपना विरोध जताया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 73 वर्किंग डेज का वादा पूरा करें, नहीं तो महिला अध्यापिकाएं भी अपना केस कत्ल करवाने से पीछे नहीं हटेंगी।